फिर वो, अब हम इसके आधे फर्स्ट पार्ट के हाफ सेकंड पार्ट का मीनिंग जानेंगे। देखिए, फिर वो लालची बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा साथी विद अ स्पेड, फावड़े एंड द फावड़े के साथ, और ओल्ड क्रोन, क्रोन भी जो है देखिए यहाँ पे दिया, ओल्ड वुमेन, ओल्ड मैंस वाइफ, बूढ़ी जो महिला थी, विद ए होल, कुदाली से बिगेन शुरू कर दिया डिक खोदना, बट लेकिन देयर वॉज नथिंग, वहाँ नथिंग, कुछ नहीं था, बट ए डेड किटन, बल्कि सिवाय एक मरे हुए बिल्ली के बच्चे की, द स्मेल ऑफ विच, जिसकी स्मेल यहाँ पर दुर्गंध के आएगा, विच जिसकी दुर्गंध ने मेड कर दिया देम उनको ड्रॉप छोड़ने के लिए, दिया टूल्स अपने औजारों, और शट दिया नोजेस और अपनी नाकों को बंद करने के लिए पर मजबूर कर दिया। फ्यूरियस एट द डॉग, कुत्ते पर क्रोधित होते हुए, वेरी एंग्री हैं, कुत्ते पर क्रोधित होते हुए बूढ़े व्यक्ति ने किक्ड, लात मारी उसको, एंड बीट हिम, और उसको टू डेथ, मरने तक उसको मारा, एंड द ओल्ड वुमेन, और बूढ़ी महिला ने फिनिश्ड द वर्क, फिनिश्ड का समाप्त कर दिया वर्क, काम को, बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, उस तेज जो उसकी कुदाली थी उसने उसके चॉपिंग ऑफ हिज हेड, उसके सिर को काटने के साथ उस काम को समाप्त कर दिया, देन दे फ्लंग हिम इन टू द होल, और फिर उन्होंने उसको फ्लंग फेंक दिया एक गड्ढे में, एंड हीप्ड और ढेर लगा दिया द अर्थ मिट्टी का, ओवर हिज कारकेस, और उसकी लाश के ऊपर उन्होंने मिट्टी का ढेर लगा दिया। द ओनर ऑफ द, अब ओनर मालिक ऑफ द डॉग, कुत्ते के मालिक ने हर्ड सुना ऑफ द डेथ, मृत्यु के बारे में, ऑफ हिज पेट, अपने पालतू के, एंड मोर्निंग फॉर हिम, और मोर्निंग माने शोक करते हुए, विलाप करते हुए, फॉर लिए हिम उसके, एज जैसे कि इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, जैसे कि वो उसका ओन अपना चाइल्ड बच्चा हो, वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वेंट गए रात में उस चीड़ के पेड़ के नीचे, ही तो ही उन्होंने स्थापित किए, सेटअप स्थापित किए, कुछ बैम्बू बांस के जो ट्यूब्स होते हैं, जो उसका पाइप जैसा होता है, खोल इन द ग्राउंड, ज़मीन पर, सच एज जैसे कि आर यूज्ड, प्रयोग होते हैं बिफोर टॉम्स, जो उसकी कब्र होती है उसके सामने प्रयोग होते हैं, इन विच जिसमें ही पुट, उन्होंने रखा फ्रेश फ्लावर्स, जिसमें उन्होंने ताज़े फूल रखे, देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर, फिर उन्होंने लेड रखा एक प्याला पानी का, एंड अ ट्रे ऑफ फूड, और भोजन की एक थाल, ऑन द ग्रेव उस कब्र पर, एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स, और जलाई, बर्न जलाई सेवरल कई सारी की महंगी स्टिक्स, अगरबत्तियाँ ऑफ इंसेंस, अगरबत्तियों की जो थी स्टिक्स, लकड़ी में उस जो थी जलाई, सुगंध की लकड़ी मतलब यानी अगरबत्ती, ही मोर्न अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, इन्होंने विलाप किया ग्रेट बहुत ज़्यादा वाइल ओवर हिज पेट, अपने पालतू के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा विलाप किया, कॉलिंग हिम मैनी डियर्स नेम, कॉलिंग बुलाते हुए उसको कई प्रिय नामों से, एज इफ ही वर अलाइव जैसे कि वो जीवित हो, दैट नाइट उस रात, स्पिरिट ऑफ द डॉग, कुत्ते की आत्मा अपीयर्ड, आई या प्रकट हुई टू हिम इन ए ड्रीम, उनके सपनों में आई, एंड सेड और कहा, कट डाउन काट डालो द पाइन ट्री उस चीड़ के पेड़ को काटो, ओवर माई ग्रेव जो कि मेरी कब्र के ऊपर, चीड़ का पेड़ उसे काटो, और मेक बनाओ फ्रॉम उससे ए मोटार फॉर योर ना राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन सॉस, और उसे क्या बनाओ, एक मोटार बनाओ, उससे ओखली बनाओ अपने राइस पेस्ट्री, तो राइस चावल की पेस्ट्री के लिए जो पीस के बनाते हैं उसको बनाने के लिए ओखली, उसको पीसने के लिए ओखली बनाओ, और मिल यानी कि चक्की अपनी जो फली जो बीन होती है फली में होती है, तो उसकी चटनी बनाने के लिए सॉस बनाने के लिए क्या करो, एक चक्की बना लो।
सो इसलिए द बूढ़े उस व्यक्ति ने चॉप डाउन, काट डाला उस पेड़ को, और कट आउट द मिडिल ऑफ द ट्रंक, जो उसके ट्रंक तने का जो बीच का हिस्सा था उसको काटा, उसके एक सेक्शन, एक हिस्से को, अबाउट 2 फीट लॉन्ग, उसके तने के एक हिस्से को, लगभग 2 फीट लंबे एक हिस्से को काटा, टुकड़े को काटा, विद ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर, बहुत ही मेहनत के साथ अलग किया हुआ, पार्टली बाय फायर, कुछ हिस्सा आग में तपाकर, पार्टली बाय द चिसल, चिसल मीन्स छेनी, और कुछ हिस्सा, कुछ जो हिस्सा था उसको छेनी से छील कर, ही स्क्रैप्ड आउट ए हॉलो प्लेस, उसने स्क्रैप्ड आउट खोद कर बनाया एक कटोरी जैसा गहरा हॉलो, मतलब गहरा जगह, एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, एक छोटी कटोरी जितना बड़ा, ही देन उसने फिर मेड बनाया ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, उसने लकड़ी का एक लंबा हैंडल वाला हथौड़ा बनाया, सच एज इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस, कुछ ऐसा है जिससे कि चावल को, जिससे पाउंडिंग कूटते हैं राइस चावल को, व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नव वर्ष का समय, नए साल का समय ड्रू नियर, पास आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने कुछ राइस पेस्ट्री, चावल की पेस्ट्री बनाने की उसकी विश इच्छा हुई, व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, जब चावल सारा उबल गया, ग्रैनी पुट, तो जो दादी थी महिला, उसने पुट उसको डाला मोटार ओखली में, द ओल्ड मैन, बूढ़ी व्यक्ति ने लिफ्टेड उठाया हिज हैमर, अपने हथौड़े को, टू पाउंड कूटने के लिए, द मास, उस पूरे मात्रा को, इनटू डो, आटे में बदलने के लिए, और कूट कूट कर उसने एक क्या बना दिया, गूंद के जो आटा बना दिया उसने, एंड द ब्लोज फेल हैवी, और मुसल उस पर तब तक चोट करता रहा, फेल हैवी, हैवी मतलब भारी ब्लोज, चोट करता रहा, और फास्ट, तेज़ी से और भारी, बहुत ज़ोर से, टिल जब तक पेस्ट्री जो थी वो जो पिसा हुआ था, ऑल रेडी फॉर बेकिंग, पकने के लिए सारा तैयार हो गया, सडनली अचानक द होल मास, अचानक जो होल पूरा, सारी जो लोई बनाई थी उसने, आटे का पूरा ढेर बनाया था, वो टर्न बदल गया इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया, व्हेन द ओल्ड वुमेन, जब बूढ़ी महिला ने टुक उठाया, टुक लिया द हैंड मिल, उस चक्की को उठाया और फिलिंग भर दिया उसको बीन्स से, बीन्स जो फली होती है, बिगेन टू ग्राइंड, पीसने की शुरुआत करने के लिए उसको भर दिया, द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, और जो वर्षा की बूंदों की भांति सोना टपकने लगा, तो सोना जो था वो ड्रॉप्ड टपकने लगा लाइक रेन, वर्षा की तरह, मीन वाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो, मीन वाइल उसी समय जो वो ईर्ष्यालु पड़ोसी थे ने पीप्ड, झांका इन अंदर एट द विंडो, खिड़की पर, व्हेन जब जो उबला हुआ बीन था वर बीइंग ग्राउंड, तो जब वो उबले हुए बीन जो थे वो पीसे जा रहे थे, ग्राउंड मतलब पीसे जा रहे थे, गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, हैग मीन जो महिला थी वो, उसने वो जोर से चिल्लाई, हे भगवान, एज शी सॉ, जैसे ही उसने देखा, ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस, प्रत्येक जो टपक रही थी ड्रिप बूंद ऑफ सॉस, सॉस की चटनी की, टर्निंग बदल रही है इनटू येलो गोल्ड, पीले सोने में, अंटिल इन ए फ्यू मिनट द टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ ए शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, और कुछ मिनटों में चक्की के नीचे का, और कुछ मिनटों में टब, जो टब था अंडर द मिल चक्की के नीचे, वॉज भर गया ए शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, चमकदार सोने के ढेर से भर गया, सो इसलिए ओल्ड कपल वर रिच अगेन, तो बूढ़े दंपति अगेन फिर से अमीर हो गए, द नेक्स्ट डे अगले दिन वो स्टिंगी एंड विकेट नेबर, स्टिंगी मीन्स जो कंजूस और दुष्ट पड़ोसी था, केम आया एंड बोरोड, मांग ले गया द मोटर एंड द मैजिक मिल,
उस ओखली और उस जादुई चक्की को मांग ली है। दे फिल्ड वन विद बॉयल्ड राइस, उन्होंने फिल्ड भरा एक को उबले चावल से और दूसरे को बीन्स फलियों से भरा। देन फिर ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति ने बिगेन शुरू कर दिया पाउंड कूटना और महिला ने पीसना शुरू कर दिया। बट एट द फर्स्ट ब्लो, लेकिन पहली चोट हुई एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इन द फाउल माउथ ऑफ वर्म्स, और जो जो पेस्ट्री जो वो थी और सॉस जो चटनी थी वो टर्न बदल गई एक फाउल माउथ ऑफ वर्म्स, कीड़ों की एक दुर्गंध भरे ढेर में बदल गई। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, बहुत ज़्यादा इस बात पर गुस्सा होकर दे चॉप्ड द मिल, उन्होंने उस जो ओखली थी उसको काट दिया इंटू पीसेस टुकड़ों में टू यूज़ एज फायरवुड, तो ईंधन की लकड़ी के रूप में प्रयोग करने के लिए उसको टुकड़ों में काट दिया।